हेलो फ्रेंड्स, आज के दिन सुजलॉन एनर्जी में राइट इशू को लेके बहुत बड़ी यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई है, जिस कारण से आज के दिन यहाँ पे 12% से ऊपर का अपर सर्किट देखने को मिला। एंड जिस कारण से यहाँ पे जो वॉल्यूम आज के दिन देखने को मिले वो बहुत ही ज़्यादा थे। फर्स्ट अभी हम चलते हैं लेटेस्ट स्लाइड के ऊपर। उसके पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक जरूर कर देना। अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं स्लाइड के ऊपर। सुजलॉन एनर्जी जंप आफ्टर बोर्ड टू डिसाइड राइट इशू टर्म्स ऑन 15th of September। यहाँ पे बताया गया है कि जैसे ही इन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया राइट इशू को लेके, वहाँ से यहाँ पे एक अच्छा जंप देखने को मिला सुजलॉन एनर्जी में। जो जंप यहाँ पे देखने को मिला वो लगभग यहाँ पे 7% से ऊपर करा। एंड तब यहाँ पे जो शेयर है 9.16 रुपये तक पहुँच चुका था, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने अनाउंस किया था संडे के दिन यहाँ पे अनाउंस होना है, 25 सितंबर की डेट यहाँ पे लगभग मानी जा रही है, जिस कारण से यहाँ पे राइट इशू अनाउंस रहने वाले हैं। उसके साथ यदि आप यहाँ पे देखें तो बोर्ड मीटिंग यहाँ पे 10 अगस्त को होनी है। यहाँ पे 10 अगस्त को जो बोर्ड मीटिंग होनी है उसमें यहाँ पे अप्रूविंग बताई गई है राइट इशू को लेके। एंड यहाँ पे क्या राइट इशू के साथ होने वाला है, राइट इशू क्या होते हैं, यदि आपको नहीं पता है तो आप और वीडियोज देख सकते हैं जिसमें मैंने अच्छे से डिस्कशन किया है राइट इशू को लेके। वैसे राइट इशू ये होते हैं, जैसे आपके पास कोई मान के चलो यदि आपके पास 100 शेयर होंगे तो कंपनी यदि राइट इशू निकालेगी तो 100 शेयरों में आपको 10 शेयर पे कुछ डिस्काउंट देगी। जिस तरह से कंपनी यहाँ पे शेयरों को बढ़ाती है मार्केट में, जैसे इस समय मान के चलिए आप कंपनी के पास 10 करोड़ टोटल नंबर ऑफ शेयर हैं सुजलॉन एनर्जी के, वो इसको बढ़ाना चाहती है तो वो राइट इशू लाती है। इसी तरह से यहाँ पे राइट इशू अनाउंस हुआ है एंड एक अच्छे डिस्काउंट प्राइस पे आपको ये शेयर यहाँ पे मिल जाएगा। एक अच्छा डिस्काउंट यहाँ पे मिलते हुए देखने को दिखता है, राइट इशू के बाद एक अच्छा डिस्काउंट यहाँ पे मिलता है। साथ साथ यदि बात करें VSE पे तो 268 लाख से ज़्यादा के शेयर यहाँ पे ट्रेड होते देखे आज के दिन। एंड उसी के साथ यदि आप डेली वॉल्यूम को कंपेयर करें तो वो लगभग 223 लाख का है, तो उसके कंपैरिजन में BSE में एक अच्छा वॉल्यूम आज के दिन बनते हुए देखने को मिला। NSE की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, वहाँ पे एकदम हाई वॉल्यूम देखने को मिला। एंड साथ साथ यदि आप यहाँ पे देखें तो 9.62 रुपये का इसने जो हाई यहाँ पे हिट किया था, अभी आज के दिन हिट किया है, वो भी ये जल्दी यहाँ पे तोड़ देगा, क्योंकि आज के दिन इसने 12% से ज़्यादा की तेजी दिखाई है। साथ साथ यदि आप यहाँ पे देखें आउट परफॉर्मिंग यहाँ पे बताया गया, क्योंकि लास्ट 1 क्वार्टर में इसने जो गेनिंग दी है वो लगभग 28.11% की है, जबकि सेंसेक्स के मुकाबले ये यहाँ पे लगभग 15% ज़्यादा भागा है सेंसेक्स के मुकाबले सुजलॉन एनर्जी की अभी बात हो रही है। साथ साथ यदि बात करें लास्ट 1 ईयर में तो लास्ट 1 ईयर में 42% से ज़्यादा का यहाँ पे भाग चुका है, अच्छे रिटर्न दिए हैं इस शेयर ने। उसी के साथ यदि आप सेंसेक्स का देखें तो यहाँ पे कोई भी अच्छा रिटर्न नहीं है, 0.02% ही यहाँ पे परफॉर्म किया है। उसके साथ यदि RSI इंडेक्स पे इस समय शेयर की पोजीशन याद करें, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, उस समय इसका जो RSI है वो 65 है, जबकि यहाँ पे 65 जब भी यहाँ पे दिखाया जाता है तो यहाँ पे ओवरबॉट जोन बताया जाता है, मतलब यहाँ पे खरीदारी जबरदस्त चल रही है, तो इस तरह से इसका RSI 65 के ऊपर है। जब भी यहाँ पे ये 30 के नीचे रहता है तो वहाँ पे ओवरसोल्ड जोन होता है, तब आपको वहाँ पे माल खरीदना होता है एंड ओवरबॉट जोन में आपको थोड़ी खरीदने से माल को बचना होता है। तो यहाँ पे RSI की स्थिति है वो यहाँ पे 65 के ऊपर है, जिस हिसाब से ये ओवरबॉट जोन में पहुँच चुका है, तो यहाँ पे आप थोड़ी रुक सकते हैं, बेट कर सकते हैं खरीदने को लेके, यहाँ पे थोड़ी बेट कर सकते हैं। साथ साथ यदि आप यहाँ पे देखें रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है एंड 17 देशों में ये अपना काम करता है। एंड यदि आप इस समय कंपनी के नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखें तो वो लगभग 2433 करोड़ के रहने वाले, जबकि कंपनी को लास्ट ईयर मतलब एक साल पहले जो नेट लॉस थे वो 22 करोड़ के अराउंड के थे, तो कंपनी लॉस से प्रॉफिट मेकिंग यहाँ पे बन के निकल के आई है, जिस कारण से यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तो निकलती है। साथ साथ इसकी जो नेट सेल्स है उसमें भी 21% ज्यादा की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली YOY ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इस समय जो कंपनी की वो सेल्स है वो 1377 करोड़ के ऊपर की हैं, जो लेटेस्ट सेल्स यहाँ पे दिखाई हैं। साथ साथ यदि हम बात करें सुजलॉन एनर्जी के प्राइस की तो आज के दिन 9.60 रुपये पे बंद होने को देखा, 12% से ज्यादा की तेजी आज के दिन देखने को मिली राइट इशू की खबर के बाद, यहाँ पे एक अच्छी तेजी हमें यहाँ पे देखने को मिली है। साथ साथ यदि बात करें तो आज का जो हाई रहा है वो 9.85 रुपये रहा है, वो हो सकता है कल के दिन यहाँ पे क्रॉस होने को दिखे। उसके साथ इसका जो 52 वीक हाई है वो लगभग 13.10 रुपये के अराउंड है। इसी के साथ यदि कई सारे इन्वेस्टर ने अपनी क्वेरीज यहाँ पे देते रहते हैं, एक यहाँ पे इन्वेस्टर उन्होंने यहाँ पे बताया है कि काफ़ी सारी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी रह सकती है। फर्स्ट इन्होंने जो अपॉर्चुनिटी की बात की है वो यहाँ पे राइट इशू को लेके, सेकंड यदि बात करें तो वो यहाँ पे प्रोबेबल अडानी एंड रिलायंस ग्रुप यहाँ पे एक्वायर कर सकता है इस शेयर को, ऐसे इनके द्वारा यहाँ पे बात की जा रही है। एंड साथ साथ बात करें तो इनके द्वारा एक और लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पे बताई जा रही है, क्वार्टर टू 2020
2023 में यहाँ पे डेथ को कम करने वाली है ये कंपनी सुजलॉन एनर्जी, जिस कारण से यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रह सकती है। फोर्थ पे इन्होंने बताया कि हायर रेवेन्यू दे सकती है नेक्स्ट क्वार्टर में, क्योंकि यहाँ पे बाइंड एनर्जी को फोकस किया जा रहा है। क्यों यहाँ पे बाइंड एनर्जी को ज़्यादा फोकस किया है, उसका यहाँ पे रीज़न है रूस यूक्रेन युद्ध, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे पेट्रोल डीजल के दामों में जो आपको तेजी यहाँ पे देखने को मिली, गवर्नमेंट का एक मोड यहाँ पे बाइंड एनर्जी की तरफ गया है, जिस कारण से यहाँ पे हो सकता है कि अच्छे आपको यहाँ पे रेवेन्यू देखने को मिले, सेल्स बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, जिस कारण से यहाँ पे नेट प्रॉफिट बढ़ने की उम्मीद थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे बताई जा रही है। साथ साथ यदि आप यहाँ पे वन मंथ का चार्ट पैटर्न देखें तो कंपनी में जो लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी, आज के दिन राइट इशू अनाउंस होने के बाद वो तेजी यहाँ पे रिकवरी में देखने को मिली। साथ साथ यदि आप देखें तो इसने जो हाई अभी फिलहाल में बनाया था वो 11 रुपए के ऊपर था, एक ही महीने में इसने 11 रुपए के ऊपर हाई अपना बना दिया था। देन यदि आप अभी देखें तो एक वी शेप रिकवरी, एक अच्छी वी शेप रिकवरी जिसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ इसके जो रिटर्न्स है वो लगातार यहाँ पे प्रॉफिटेबल रिटर्न हो चुके हैं, वन वीक वन मंथ में जो रिटर्न है वो 11% से ऊपर के हैं। साथ साथ यदि आप यहाँ पे 6 मंथ के रिटर्न देखें तो वो थोड़ी सी कम है, लेकिन यदि आप 1 ईयर के रिटर्न देखें तो वो 50%, 2 ईयर एंड 3 ईयर के रिटर्न यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड 200% से ऊपर के रिटर्न ये शेयर आपको बना के दे चुका है। हाई वॉल्यूम की जैसे कि मैंने आज के दिन बात की थी तो 38 करोड़ से ज़्यादा के वॉल्यूम आज के दिन इस शेयर में बनते हुए देखने को मिले हैं। 8 करोड़ से ज़्यादा की यहाँ पर डिलीवरी वेस पैटर्न उठी है, तो एक अच्छे वॉल्यूम हायर वॉल्यूम के साथ ये शेयर यहाँ पर ट्रेड हुआ है। मैंने आपको पहले बता दिया राइट इशू के कारण यहाँ पर जो तेजी देखने को मिली, क्या वो यहाँ पर कल भी यहाँ पर कंटिन्यू होगी उसकी भी अभी हम बात कर लेंगे। साथ साथ यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी अपनी स्टेक को ग्रो किया है, मतलब 0.05 से अभी 0.06 कर दिया है जून क्वार्टर में। एंड उसी के साथ यदि हम बात करें तो प्रमोटर्स ने अपनी थोड़ी सी स्टेक कम की है। इन्हीं सभी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी को हमें यहाँ पे बताते रहते हैं। उसी के साथ आप यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आएगी इसके बारे में, राइट इशू को लेकर या कोई भी लेटेस्ट न्यूज आएगी, आपको वो सबसे पहले मिलते हुए देखने को मिले। साथ साथ यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को भी लाइक कर दें। अभी हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।